नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाम से। स्वागत करता हूँ सभी वालों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई जानकारी के साथ। मार्कंडेय ऋषि की प्रचंड शक्ति, मार्कंडेय ऋषि की साधना या पूजा अर्चना कैसे करते हैं, कौन है ये, कहाँ पिन की शक्ति। सर्वप्रथम निवेदन आता है चैनल पर बस्ता से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। तीन मेरा और चैनल है गुरु अपना शिव गुरु क्षण होता है। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट के दुनिया में कोई मेरा गुरु को चेला को गुरु ने किसी के जहाँ से मत फंसना। सभी धर्मों का आदर्श स्थान मन करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। साधना सिद्धि में चलना है, गुरु सानिध्य गुरु कृपा से चलना है, और किसी भी प्रकार का मंत्र किसी प्रकार का आपने उच्चारण करना है तो गुरु सानिध्य में ही करना है। जन कल्याण हेतु ही मैं यहाँ पे जानकारी देता हूँ। बाकी की सारी सर्विस पेड है। लाइव चैट में आप मेरे साथ फ्री में बातचीत कर सकते हो। साधना संबंधित कोई भी दिक्कत तकलीफ है तो आप उन साधनों की अरदास लगा के भी मेरे से मंत्रों का प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा गुरु दीक्षा लेके ही साधना सिद्धि में उतरना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि, ये एक प्राचीन ऋषि है। मार्कंडेय पुराण भी है जिसमें विशेष रूप में जी इनके बारे में बताया गया। जैमिक नाम के ऋषि के बीच में एक संवाद शामिल हुआ था। भागवत पुराण में कई प्रकार का वो जन की बातचीत है, प्रार्थना समर्पित के लिए भाव, और महाभारत में उनका उल्लेखन है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक शक्तिशाली और प्रचंड शक्ति है, महाकाल के परम प्रिय शिष्य जिन्होंने भक्ति कर कर ही उनको पाया है। शिव जी के परम प्रिय भक्त होने के बाद मैं आपको बता दूं, मृत्यु के अंत स्वरूप में जाना जाता है, अनंत जीवन है। मार्कंडेय जी लंबे जीवन संबंधित पिछली दुनिया की मृत्यु के बाद जीवन के विपरीत बोल सकते हैं किया, और भगवान विष्णु से ज्ञान प्राप्त करके इसे समाप्त होते दिखा, यानी कि चार युगों की महिमा बोल सकते हैं आप। मार्कंडेय पुराण है जिनमें इनका उल्लेखन, और किसी कई प्रकार के अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें इनकी व्याख्या है। इनके ऊपर कई प्रकार की बोलते हैं कि फिल्में भी बनी हुई है, मूवीज भी बनी, आप उनको भी देख सकते हो। मार्कंडेय ऋषि को आप पूजना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी नदी के किनारे जाकर आप इनकी पूजा अर्चना कर सकते हो। सर्वप्रथम इनके नाम का एक देसी घी का दीपक लगाना है, और आपने किसी नदी या तट के किनारे बैठ कर ही महामृत्युंजय मंत्र का जप अथवा भोलेनाथ जी का जप, ये दो ही जप करने हैं। और इनकी प्रचंड साधना अगर आप करना चाहते हो, इनका मंत्र लेना चाहते हो, तो मैं गुप्त रखूंगा इंटरनेट पे, वो मंत्र मैं प्रकाशित नहीं करूंगा, क्योंकि वो मंत्र पूर्ण रूप से दीक्षा लेके अथवा आप साधना की अरदास लगवाकर ही उस मंत्र का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हो। जो लोग इनको पूजना चाहते हैं, हजरत ख्वाजा साहब, और मैं आपको बता दूं कि मार्कंडेय जी की पूजा, मार्कंडेय ऋषि हैं जो बिल्कुल जोड़े में ही पूजे जाने हैं, तो दोनों का ही संबंध संवाद चलना है, क्योंकि दोनों ही भोलेनाथ जी के परम प्रिय शिष्य बोल सकते हैं, भक्त बोल सकते हैं। इनकी शक्ति बड़ी प्रचंड है। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ये ना कर सकते हो, और दुनिया की ऐसी कोई प्रचंड शक्ति नहीं है जो इनका कहना ना मानती हो। विभिन्न प्रकार का उल्लेखन है, विभिन्न प्रकार की साधना सिद्धियां हैं। इन साधनों सिद्धियों में आपको सफलता दिलाने का कार्य करते हैं अथवा आपका काम करती है। रुद्राक्ष की माला के ऊपर किसी भी आसन, कम्बल का आसन साथ में ले जाएं, वहीं पे बैठकर आपको मार्कंडेय ऋषि जी का ध्यान करना पड़ता है। तकरीबन सवा महीने तक ये क्रिया अगर नित करते हो तो पूर्ण रूप से प्रचंड आपको इसके परिणाम मिलते हैं। प्रचंड शक्तियां एवं इनके दर्शन और अथवा भोलेनाथ जी के प्रचंड दर्शन होने की संभावना आपकी भावना के ऊपर होती है। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और साधना करनी है तो आप कंसल्ट कर सकते हो। आदेश।